सो हेलो गाइस, यार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज सुबह देख लें, मैंने यूनिफॉर्म भी जल्दी जल्दी पहन लिया और मेरा गला भी आज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था। तो ऊपर परिंदे अपनी मौज कर रहे थे, यहाँ पर हवा शवा रुकी हुई थी, लेकिन वही सुबह सुबह का माहौल इतना अच्छा होता है कि ताज़ा हवा जो हल्की हल्की भी चल रही होती है ना, उससे भी बंदे का मूड फ्रेश हो जाता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा छत पर वॉक कर रहा था, साथ साथ मैं व्लॉग बना रहा था और आगे पीछे इतना प्यारे वेदर को देख कर दिल खुश हो जाता था। तो यहीं पर मैं व्लॉग बना रहा था, साथ ही मेरी अम्मी की नीचे से आवाज़ आती है कि नाश्ता बन चुका है। तो फिर मैं नाश्ता करने के लिए नीचे चला जाता हूँ। तो सीधे यहाँ पर नाश्ते के टेबल पर आता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं पराठे चाय और साथ जो मलाई थी वो सब कुछ तैयार पड़ा हुआ था। बस यहाँ पर अब मैंने नाश्ता करना था, जो कि मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आता हूँ और शूज़ पहनने थे जो कि मैंने लास्ट में पहनता हूँ। अभी भी मेरे मुंह में नवाला पड़ा हुआ था, कि आप लोग देख सकते हैं मैं चबा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये शूज़ पड़े थे, अभी इनको पहनना था। सॉक्स मैंने पहनी हुई थी, बस अभी शूज़ पहने थे जल्दी जल्दी। इनको मैं एक सेकेंड के अंदर पहन लेता हूँ, मतलब कि एकदम ही पहन लेता हूँ। तो आपने देख लिया मैंने पहन लिए शूज़, थोड़े ज़्यादा गंदे हुए थे तो मैंने कहीं पर कपड़ा मार लिया जाए क्यों ना। तो सीधे यहाँ पर आता हूँ सीढ़ियों से यहाँ से कपड़ा उठाकर और अपने शूज़ों पर मारने लगता हूँ। पहले ये जो डस्ट लगी थी इसको साफ कर लेता हूँ। एक शूज़ तो मैंने थोड़ी जल्दी ही साफ़ कर लिया और फिर दूसरे शूज़ को भी मैंने देखा तो वो भी गंदा हुआ था, तो मैंने उसको भी साफ़ कर लिया। ये जॉगर्स हैं, मैं इनसे रनिंग करता हूँ, इस वजह से ये शूज़ इतना गंदे हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको भाई यहाँ से सीधा ही कॉलेज जाने की तैयारी करने लगता है और सीधा कॉलेज चला जाता है। बस अब कंघी करनी थी और ये सामने कितना फिट माहौल बना हुआ था, बेलें शेलें और बड़े से लोग जा रहे थे अपने काम पर। कुछ ही देर में मैंने भी इसी तरह चले जाना था। तो ये जगह देख के आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं कॉलेज में, मैं यहाँ पर वैसे ही खड़ा हूँ अपने कॉलेज के बाहर, थोड़ी सी इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा यहाँ पर जानता है तो बताए ये कौन सी जगह है, गैस करके बता दें। तो ये कौन सी जगह है, ये मेरे कॉलेज के सामने ही है। तो यहाँ पर मैं खड़ा बस ऐसे ही वीडियो बना रहा, इन गाड़ियों को देखने पर लगा हुआ था। काफ़ी देर मैं यहीं पर खड़ा रहा था क्योंकि मैंने अपने बहन भाइयों को भी लेना होता है, तो उनको लेट छुट्टी होती है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर खड़ा होकर वेट करना पड़ता है। तो मैं काफ़ी देर यहाँ पर खड़ा हुआ वेट कर और इसी तरह गाड़ियों को देख कर टाइम पास करता रहता हूँ। और फाइनली मैं घर पहुँचता हूँ, तो घर में शाम को पहुँचता हूँ। उसका रीज़न ये है कि बीच में वही जो मेरी रोज़ की रूटीन में कोई काम आ जाता है और उस काम में मैं कोई वीडियो क्लिप नहीं बना सकता है। बस ये मुझे भी स्टार्टिंग में मैनेज करना पड़ता है, लेकिन आगे आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे आप मुझे फॉलो करते जाएंगे मैं ज़रूर अपनी रूटीन पूरी करने लग जाऊँगा। और यहाँ पर ये पतंगे शापर वाली उड़ने पर लगी हुई थी, तो यहीं पर बस व्लॉग को एंड करना था क्योंकि आज मेरा गला बहुत सख्त ख़राब था, तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर बस मैं अपने तोतों को देख लेता हूँ थोड़ा बहुत कि इनके बच्चे सच्चे कैसे हैं, बच्चे सब ठीक हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है।